एटीएम के संदर्भ में हमने कल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ जानकारी दी गई थी। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जिस पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधियों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी होना तो मुश्किल है, अगर हो भी रही है तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है ये हम आपको बताएंगे। अगर ईवीएम से हम छुटकारा नहीं पा सके तो अभी ईवीएम में गड़बड़ी से बचने का तो तरीका अपना सकते हैं। इसलिए हमको भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिए हुए निर्देशों का ठीक से पालन करना होगा। ईवीएम और वीवीपीएटी मैनुअल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसमें चैप्टर इंडेक्स में जाने पर चैप्टर 8 दिखाई देगा, जिसमें लिखा है कि प्रिपरेशन ऑफ ईवीएम वीवीपीएटी यानी ईवीएम को तैयार करना, किस तरह तैयार किया जाता है। यह पेज नंबर 53 से लेकर 54 तक केवल 4 ही पन्नों का है। यह प्रक्रिया कब और कैसे शुरू होती है यह जानना समझना बहुत जरूरी है। प्रत्याशी के फॉर्म विड्रॉल के बाद जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहते हैं उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर चैप्टर 8 के तहत प्रिपरेशन ऑफ ईवीएम वीवीपीएटी के तहत प्रत्याशी या प्रतिनिधि को बुलाता है। यह जो प्रक्रिया होती है, रिटर्निंग ऑफिसर ने इस प्रक्रिया के लिए 3 से 5 दिन रखने होते हैं और यह क्रिया चुनाव से 8 या 10 दिन पहले पूरा करना होता है। हर प्रत्याशी को इस शेड्यूल का लिखित रूप से सूचित किया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर विनती करता है कि प्रत्याशी या उसका प्रतिनिधि पूरे समय तक इस प्रक्रिया में उपस्थित रहे और निगरानी रखे, ताकि सारी प्रक्रिया पारदर्शक हो रही है यह सुनिश्चित किया जा सके। प्रक्रिया के समय रजिस्टर अनेक्सर 15 रखा जाता है, जिस पर प्रत्याशी या उसके प्रतिनिधि को अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होती है। इस हाल में यह प्रक्रिया करनी होती है, वहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ना हो इसका ख्याल भी रखना महत्वपूर्ण है। हर एक का प्रवेश फुल सिक्योरिटी में होता है और वहाँ डोर में मेटल डिटेक्टर लगा होता है और वहाँ के सभी लोगों के फिजिकली जांच और उसके आईडी कार्ड की जांच की जाती है। अगर इनमें से कोई भी प्रक्रिया ना हो तो संदेह जताया जा सकता है। चैप्टर 8.3 के तहत BEIL और BCIL का ब्योरा पहले से ही DEO को भेजा जाता है। वही इंजीनियर आए हैं या दूसरा कोई है यह भी सुनिश्चित करने का अधिकार प्रत्याशी या प्रतिनिधि को होता है। 1000 वोट डालने के लिए लगभग 4 घंटों का समय लगता है। इसके लिए एक और टीम बुलाई जा सकती है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया के दौरान DEO को भेजी सूची के अनुसार ही इंजीनियर और साधन सामग्री है या नहीं, इसको भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चैप्टर 8.1 के तहत जो इंजीनियर है वह सबके सामने बैलेंटिंग यूनिट चेक करेगा। सुनिश्चित होने पर अनेक्शन 16 पर हस्ताक्षर करेगा। अगर कोई दोष मशीन में पाया जाता है उसका इस्तेमाल प्रतिबंधित है और उसको रिपेयर करना भी मना है। यह प्रतिनिधियों के अधिकार में है कि अगर इंजीनियर नहीं भेजते हैं दोषपूर्ण मशीनें वापस तो उसका इस्तेमाल ना करें। बैलेंटिंग यूनिट चेकिंग को जो सूचना होती है उसके साथ यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, इंस्ट्रक्शन के एक साधन सामग्री की सूची होती है, उस सूची के अनुसार ही इंजीनियर ने वही साधन सामग्री अंदर ले जाना है, इसका भी खातर जमा करना जरूरी है। वीवीपीएटी होता है वह 2 चीजों का होता है, एक डिस्प्ले यूनिट और एक प्रिंटर यूनिट। इसकी बैटरी को सील करने की जरूरत नहीं, एक फ्रेश पेपर रोल प्रिंटर यूनिट में डालना चाहिए। यह अनेक्सर 17 के तहत होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रतिनिधियों के सीरियल नंबर, नाम और सिंबल, यह सब इंजीनियर की मदद से वीवीपीएटी में लोड करने हैं। यह प्रक्रिया में इंजीनियर जिस मशीन में लोड कर रहा है उसके लिए सूची के अनुसार ही सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, इस महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना आवश्यक है। सूची में लिखित सामग्री के अलावा किसी भी चीज का इस्तेमाल करने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरों के अधिकार में सूची के अलावा कोई भी चीज इस्तेमाल करना नहीं होता। इस बात की जानकारी भी उपस्थित प्रतिनिधियों को होनी चाहिए। नाम और सिंबल सेट करते वक्त डेट के बारे में पूछना और डेट डालने पर ध्यान देना चाहिए, कोई डेट तो नहीं डाली जा रही है, या डाली जा रही है तो किस तरह से डाली जा रही है। याद रहे, पूरी प्रक्रिया के दौरान अनेक्सर 15, 16, 17 और 18 पर हस्ताक्षर करना होता है। 18 पर हस्ताक्षर करते वक्त जो पिंक पेपर कंट्रोल यूनिट में डाला जाता है वह टूटा नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें और सब्सक्राइब जरूर करें।